नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एस एस स्टडी पॉइंट में। धमाकेदार न्यूज़ के साथ, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस 2013 वाली भर्ती के हैं, जो कि 2088 पद थे उस भर्ती में, जो ट्रेनिंग से रह रहे हैं, उनकी JTCB PSC वालों के साथ एक कराने का निर्णय लिया है भर्ती बोर्ड ने, जो ऑफिशियल नोटिस जारी भी कर दिया गया है और साथ में ऑफिशियल नोटिस के साथ में जो है JTC लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि किस कैंडिडेट को कहाँ पर जाना है। तो ये सबसे धमाकेदार न्यूज़ मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। अभी तक किसी भी चैनल के पास ये न्यूज़ नहीं है, तो अब तो खुश होना आप। काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी JTC के बारे में बताएं, तो उन्हीं की समस्या का मैं समाधान लेकर आया हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए आपकी न्यूज़ लेकर आते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं आपको क्या है ऑफिशियल नोटिस वो दिखा रहा हूँ, और सारी लिस्ट भी दी हुई है उसमें कि अपना नाम भी चेक कर सकते हैं आप और आपको कहाँ जाना है, ये सारी डिटेल उसमें बताई गई है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रही दोस्तों आपकी न्यूज़, आपको काफ़ी खुश कर देगी। यहाँ आप देख सकते हैं 25 नवंबर 2019, और यहाँ जैसे ही मैं नीचे इसको स्क्रॉल, मैं अपना जो है मेन पॉइंट पढ़ूँगा, अगर मैं इसको सारे को पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2052 जो है आरक्षी महिलाएं हैं और 36 स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो ये कुल मिलाकर जो आपके हो गए 2088 पद हो गए। और इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2019 से JTC प्रारंभ होगी। उल्लेखनीय है कि उक्त अभ्यर्थियों की दिनांक 1 दिसंबर 2019 से JTC प्रारंभ होगी। उपरोक्त संबंध में प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण की जाए, जैसे कि वर्दी तैयार करना, बैंक खाता खुलवाना, PNO नंबर आवंटन, प्राण खाता खुलवाना और नियुक्ति पत्र JTC जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये थी आपकी न्यूज़। तो अब चलते हैं कि आपको जो है अपना नाम किस प्रकार से चेक करना है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक पूरी देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब जिन कैंडिडेट को नाम चेक करना है कि हमको नाम किस प्रकार से चेक करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही चलिए आपकी खुशी का पल स्टार्ट हो चुके हैं, ये लीजिए आपकी आ गई है लिस्ट। तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही कैंडिडेट का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये यहाँ दे रखा है सुगंध त्यागी, फादर नेम दे रखा है देवेंद्र त्यागी, और इनका अनुक्रमांक ये है, महिला है, गृह जनपद यानी कि इनका सहारनपुर है, और चिकित्सा में ये पास हो गई हैं, और इनको जो है JTC के लिए आवंटित BRY का मतलब है बरेली। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सारे नाम को चेक कर सकते हैं। देखिए ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिस प्रकार से ये गाज़ियाबाद के हैं और ये इनका भी बरेली है, और आप नीचे तक जो है इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, तभी मैं इसका जो है लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और अपना जो है सर्च बॉक्स में, ये जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है इसमें अपना नाम टाइप कर भी अपना जो है गृह जनपद और JTC देख सकते हैं। तो यही थी दोस्तों न्यूज़, काफ़ी लंबी लिस्ट है, 41 पेज की है। तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया उनको काफ़ी बधाई हो, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, और कोई न्यूज़ होगी तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी।